संगीत के सभी प्रेमियों का हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही एंटिक हारमोनियम, जो कि बॉम्बे पैटर्न का बना हुआ है सागवान बॉडी में, और ये सिंह म्यूजिकल हाउस बॉम्बे का बना हुआ है। ये इसमें इसका नेम प्लेट लगा हुआ है इसका, सिंह म्यूजिकल हाउस बॉम्बे, और ये इस टाइप का बॉम्बे पैटर्न का बना हुआ है। बॉम्बे में इस टाइप के हारमोनियम बनते हैं। ये इसके स्टॉपर हैं, 4 स्टॉपर हैं इसके, सागवान की बॉडी में है, पूरा ही सागवान का बना हुआ है। ये इसका कीबोर्ड है, देखिएगा कीबोर्ड कितना बेहतरीन इसका कीबोर्ड है, कितना अच्छा काम किया गया है। चाबियाँ इसकी भी रही। बात करें हम इसके सप्तक की, तो ये 3/4 सप्तक का है, यानी कि 39/39 मेल हारमोनियम सिस्टम। पेरिस की रीड लगी हुई है इसके अंदर, बहुत ही अच्छी कंडीशन की रीड लगी हुई है, और इंग्लिश चाबी में बना हुआ, सॉरी देसी चाबी में बना हुआ है ये, इंग्लिश की में नहीं है। और वेलो की अगर हम बात करें तो ये सिंगल वेलो है, जैसा कि बॉम्बे पैटर्न में आपने देखा होगा कि बाहर से बाल आता है, वो तो सिंगल बाल वो इसका बाल है। ये इसके हैंडल हैं, हैंडल दिखाईगा एक बार, ये इसके हैंडल। बॉडी इसकी 100% सारी की सारी बॉडी सागवान की बॉडी है, बहुत ही सॉलिड बॉडी में है ये, एकदम मजबूत बॉडी है इसकी बनी हुई। और अब मैं इसकी आपको आवाज़ सुनाता हूँ, एक बार आप आवाज़ सुनिएगा। और अगर हम बात करें इसके पुराना होने की, तो लगभग 30-40 साल पुराना हारमोनियम है ये, 40 साल के आसपास, क्योंकि सिस्टम पेरिस रीड अभी तो आती नहीं, 40-50 साल पहले ही सिस्टम पेरिस की रीड आती थी, तो उसी रीड का ये बना हुआ है मेल हारमोनियम। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, और जो भी इच्छुक व्यक्ति इस हारमोनियम को लेना चाहें, वो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर हमसे इस हारमोनियम को प्राप्त किया जा सकता है। और मैं एक बार इसकी साउंड सुनिएगा आप सब। क्लीन साउंड है, एकदम क्लियर साउंड दे रहा है, बहुत ही अच्छी कंडीशन की रीड लगी हुई है इसमें। और ये स्टॉपर भी आजकल इस टाइप के स्टॉपर नहीं आते हैं, बहुत ही पुराने स्टॉपर हैं इसमें लगे हुए, और हारमोनियम ही एंटिक हारमोनियम है। जो भी सज्जन इस हारमोनियम को लेना चाहें, वो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर हमसे इस हारमोनियम को प्राप्त किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।